ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यह आरोप उसी की प्रेमिका के परिजनों पर लगा है। दादरी थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्रेटर नोएडा के जारचा थाना क्षेत्र के आनंदपुर के रहने वाले युवक गौरव को उसी की प्रेमिका के परिजनों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उन लोगों पर युवक को जहर देने का भी आरोप है। दरअसल जारचा थाना क्षेत्र के आनंदपुर का रहने वाला एक युवक दनकौर क्षेत्र की एक युवती से प्रेम करता था। परिजनों ने बताया कि प्रेमिका द्वारा 23 मई को युवक को फोन करके दादरी मिलने के लिए बुलाया था। जब युवक मिलने के लिए गया तो वहां पर मौजूद उस युवती के परिजनों ने लड़के के साथ जमकर मारपीट की, उसे बुरी तरीके से पीटा। आरोप है कि उसी दौरान उसे जहर भी दे दिया गया। उसको बेहोशी की हालत में मृत समझकर वहां से वो फरार हो गए। अचेत पड़े युवक को देखकर वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और फिर पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से उसको अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान मंगलवार को उसकी मौत हो गई। जिस समय युवक को अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती किया गया, उसी समय उसके परिजनों ने युवक की एक वीडियो बनाई। वीडियो में युवक ने अपने साथ हुई पूरी घटना को बयां किया। युवक ने वीडियो में बताया कि वो लड़की अपनी मौसी के यहाँ बोड़ाकी गांव आई हुई थी। उसी ने फोन करके मुझे बुलाया और दादरी में लड़की ने जमकर ड्रामा भी किया। मृतक का फोन तोड़ दिया गया, पैसे फाड़ दिए, युवक को कुछ खिला दिया गया, जिसके बाद लड़की के भाई और उसके कुछ दोस्त आए, युवक के साथ जमकर मारपीट की। वीडियो में बताया कि उन सभी ने मिलकर बुरी तरीके से पीटा है। एडिशनल DCP विशाल पांडे ने बताया कि युवक की मारपीट के बाद ही परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। अब इसमें धाराओं को बढ़ा दिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक लड़का जो कि जारचा थाना अंतर्गत का रहने वाला है, वो अपने पूर्व परिचित लड़की जो कि दनकौर की रहने वाली है, उससे मिलने के लिए थाना दादरी अंतर्गत पल्ला नहर के पास गया था। वहां पर लड़की के परिजनों के द्वारा उससे मारपीट की गई और लड़के के पिता का आरोप है कि उसे जहरीला पदार्थ भी खिला दिया गया। कल से इसका इलाज चल रहा था, दौरान इलाज आज उसकी मृत्यु हो गई है। लड़के के पिता के द्वारा पूर्व में ही आज तहरीर दी गई थी, जिसपे तत्काल थाना दादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें दो टीमें गठित की गई हैं जो लगातार दबिश दे रही हैं। शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जाएगा। यहाँ वीडियो नहीं बनती है। अरे दो शब्द बुलवाने क्या हो गया है, सीरियस है, दो शब्द बुलवाने की दिक्कत हो अपने मुंह से क्या आ रही बोला की वाने बुलाया कि बता दे यार कपड़ा लेना के तू आ जा। मैं कहा घर से यहाँ आके वन ड्रामे करे कुछ पता नहीं पैसा फाड़ दिया मेरे, फोन तोड़ दियो कि मैंने जाए नू वो मतलब कहाँ खबा दियो वो खबा दियो गुस्से में आकर एक पीछे चलोगे बस। मैंने अपने भैया पहले बुला लिया फोन करके बाकी मौसी की लोन ले रहा हूँ मारो बहुत मारो किसने मारा वाके भैया ना मौसी के लौंडा था शायद नाम वो लौंडा को वहाँ खूब मारो खूब घर के लौंडा मैंने मारो मैं मैंने करते 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 वो किसके मौसी के लौंडा किस टाइम कॉल आई? 2 बजे के करीब बात है साहब, मैंने पूरा टाइम चेक। और आप किस टाइम पर चले? किस चीज़ की? लड़के के चोट लग गई या? वो तो बाद में पता चले, मैंने 3 बजे के कॉल भी करी उस पर, मतलब जो भी है तो आए नहीं। मतलब क्या बता गया लड़का घर? घर बता के गया कि मेरे किसी का पैसे हो बना रहा मुझे वो भाई हमसे ये बात कह के गया था वो यहाँ से। तो अब वहाँ मतलब वो पहुँच गया तो वहाँ देखा तो वहाँ बताया जो उसने हमें बाद में जब वो पीट पाटा है उसे जहर खिलाया जो भी उसे। अब उसने जो ये कहा कि नाम बताए, एक का नाम जो साहिल था, एक वो क्या कहते हैं वो नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब वो उसका भाई था सजा जो मतलब वो लड़की थी
क्या नाम था वो? अब उसने तो गवाही दी, कितने लड़के के नाम बताए? तो आपने नाम दर्ज रिपोर्ट कर दी ना? नाम दर्ज रिपोर्ट करी है, उनकी मतलब वो अपनी वीडियो भी बनी है, उसने आप खुद अपने आप मुझे बोला है उन लड़के का नाम, जब हमको पता चला है कि ये लड़के हमने बुलाया इसे कैसे लड़के और तुम बैठे ऐसे हो, तो वहाँ से जैसा भागा है मतलब उसके पैसे छीन लिए, फोन फोड़ दिया और वहाँ से उल्टी उल्टी करता हुआ भागा स्कूटी का, तो स्टेटा गाँव में आकर जो एक्सीडेंट कर दिया उन्होंने, शायद हो सके प्लानिंग हो पूरी, जब वहाँ पे उसे मतलब जो वहाँ पर हमने देखा तो ये भूसे होते हैं उनसे उसकी छाती वाती में सिर में मतलब जो मारे हुए थे उधर उसे मतलब जो हमें पता लगा, हमें लड़के ने अंकित नाम के लड़के ने हमारे काम के रिकॉर्ड करा, वो बता रहा था उसे मतलब उस लड़के को उसे तेरे साथ आ गए, उसे किसी ने बताया उसके दोस्त ने उसको वहाँ मारे हैं, उसको बंदे के पास में जो तुम जल्दी जाओ उनके घर वालों से कह दो। अब हमारे पास बाइक बैठ गई थी, हम चलाने नहीं जानते बुजुर्ग आदमी, फिर हम गाँव में गया वहाँ उनसे कही थी ऐसा बात है, वो गाड़ी निकाली प्रदीप नाम कर मतलब जो जमींदार थे हमारे यहाँ का, हम दोनों गए हमें बता दी थे उसमें, वहाँ में सदर अस्पताल में वहाँ गए तो वहाँ वही दूसरी पार्टी पहले वहाँ वो थी भर्ती, और वो कहने लगे साले को भेज दिया सरा फरा पिला के अरे एक्सीडेंट मार दिया, और वहाँ से वो सरकारी बता दी, हम सरकारी में आए थे, हम सरकारी में पहुँचे इतने जो वहाँ एम्बुलेंस में मतलब जो उसमें रख कर चढ़ा रहे थे उसमें बैठ गए, तो उसमें उसने हमने फिर उसने हमें जो बताया बाद में तो बाबा आपके बचा लो बहुत मारा हूँ मैं ऐसे ऐसे मेरी खिला दिया है मुझे ये उसका भी मतलब बात की उसने, फिर वह सरकारी जो मिठाई अस्पताल है वहाँ उसने टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।